हेलो गाइस, आज का मैं मकई का डिश बनाने वाली हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ जो है मकई जो है ले लिया है। अब इसको पका कर जो है अभी हम दिखाने वाले हैं कि पका कर तो हम लोग जनरली खाते ही हैं, तो इसको टेस्टी कैसे बनाया जाए। और मकई क्या है कि ये बार बार बोलते हैं कि मोटा अनाज है, तो मकई जो है उसको अच्छा तरीके से कैसे खाया जाए कि जो कि हमको जो है नुकसान ना हो और इतना टेस्टी बन जाए कि एक के बदले दो, दो के बदले तीन भी खा ले तो हमें ये नुकसान बिल्कुल ही नहीं पहुंचाए। तो आइए देखते हैं कि कैसे। जैसा देख रहे हैं कि यहाँ मकई पकने के लिए जो है हम यहाँ पर झजरी में जो है डाल दिए हैं। अब इसको जलने ना दें, इसको जो है पलटते रहें ताकि ये जले नहीं। जलने से क्या होगा, स्वाद जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसको मीडियम साइज पर जो है फ्लेम को रखते हैं और इसको पकाते हैं। फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है मकई जो है पूरी तरह से पककर तैयार हो गया है खाने के लिए। तो इसको चटपटा कैसे बनाएंगे अभी आप देखिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो है नींबू लिया है और काला नमक लिया है। इसमें जो है इस तरीके से इसको करके और फिर इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है नींबू और नमक जो है इसमें चारों तरफ से इस तरह से आपको लगा लेना है और फिर से ऐसे करना है। चारों तरफ से आप जो है इसको लगाइए चारों तरफ से और फिर खाइए। तो यहाँ पर हमने यहाँ लगा दिया है, आप इसको जो है लगाइए। और यहाँ और भी नींबू है और नमक है, आप अपने तरीके से जितना आपको खट्टा चाहिए नमक चाहिए आप लगाइए। और ये हरी मिर्च जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने तीन मकई रखा है और चार मिर्च, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही टेस्टी लगता है ये मिर्च के साथ। तो ये भी जो है अभी मकई का जो है सीजन चल रहा है, तो आप जो है मकई को खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये रेसिपी आपको कैसा लगा लाइक और शेयर कीजिएगा। और मेरे अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ओके बाय, मिलते हैं अगले रेसिपी साथ।